नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी आरआरबी एएलपी ग्रुप डी 2018 की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। इसके अलावा आप आगामी आरपीएफ का एग्ज़ाम दें, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दें या जो भी एग्ज़ाम दें, सभी में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इस वीडियो हम लाए हैं आपके लिए टॉप 30 जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये मैंने इस तरह से करंट अफेयर्स छांटे हैं। टॉप 30 में करंट अफेयर्स बहुत सारे थे, लेकिन मैंने वही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए हैं जिनकी की बहुत संभावना है कि वो आपकी परीक्षा में पूछे आ सकते हैं। तो जनवरी माह के जो करंट अफेयर हैं, मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। और दोस्तों, पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपको करनी है, ये मुझसे ज़रूर आप वादा निभाएं, ठीक है। और दोस्तों, इजी नौकरी आपके लिए बेहतर से बेहतर करंट अफेयर्स लाता रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जनवरी 2018 का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, बात करें भारत का विदेश सचिव किसे बनाया गया है, विजय केशव गोखले को। ये एस जयशंकर, जिनके बाद ये पद खाली हुआ था विदेश सचिव का, ये बनाया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। रणजी ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती, विदर्भ ने दिल्ली को हराकर होलकर स्टेडियम में ये टूर्नामेंट जीता, विदर्भ ने पहली बार जीता है। भारत महिला सशक्तिकरण के लिए नारी पोर्टल जारी किया। दोस्तों, ये जारी किया नारी शक्ति, महिलाओं को की जो सुरक्षा है उनकी भावना को रखकर, मेनका गांधी ने। भारत का सबसे तेज चलने वाला जो कंप्यूटर बना है दोस्तों, वो उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। ये योजना शुरू करी है जो 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का सफल आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया, क्योंकि दोस्तों प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनता है और इस बार प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन भी इस बार आयोजित किया। और अगली बार का जो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन होगा वो आपका वाराणसी में होगा, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भारतीय अनुसंधान संस्थान या इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के सिवन को बनाया गया है, ठीक है, के सिवन को बनाया गया है, ये याद रखिएगा। जनवरी माह में ही इनकी नियुक्ति हुई है। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे यातायात और ढुलाई के संचालन के लिए स्फूर्ति ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, रेलवे की परीक्षा है तो स्फूर्ति ऐप पूछा जा सकता है, तो काउंट कर लीजिएगा इसे। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा, भारत को वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 31वां। जनवरी 2018 में भारत और इजराइल के बीच कितने समझौते हुए, 9 समझौते हुए। जैसे कि मालूम है, जो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए और कुल मिलाकर 9 समझौते हुए, तो पूछा जा सकता है कितने समझौते हुए, ठीक है, याद रखना है। विश्व का सबसे एयर प्योरीफायर वायु प्रदूषण कम करने के लिए किसने लॉन्च किया है, तो वो चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर है जो कि वायु प्रदूषण को कम करेगा। दोस्तों, विराट कोहली को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो कैप्टनशिप है ना, वो भी इनको दी गई है। वहीं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो स्टीव स्मिथ को दिया गया था, जो अभी जिन पर भी बैन लगा हुआ है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो पहली भारत की रक्षा मंत्री बनी है, वो बनी है निर्मला सीतारमण। देखिए, निर्मला सीतारमण दूसरी रक्षा मंत्री है, इससे पहले इंदिरा गांधी भी बन सकी थी, लेकिन सुखोई उड़ाने वाली है पहली रक्षा मंत्री है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का जनवरी महीने में ही परीक्षण किया गया। इसी महीने आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की 27वीं राज्यपाल बनी। समावेशी विकास सूचकांक सूची में भारत को दोस्तों 62वां स्थान मिला, ये आप निश्चित रूप से सूचकांक जरूर याद कर लें। फिल्म फेयर पुरस्कारों में इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का हिंदी मीडियम फिल्म के लिए, जबकि विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए तुम्हारी सुल्लू पिक्चर के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं दोस्तों, फिल्म फेयर की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई वो आपकी चुनी गई हिंदी मीडियम, और जबकि क्रिटिक्स की निगाह में जो फिल्म चुनी गई वो थी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म न्यूटन, जिसमें राजकुमार राव की अहम भूमिका थी, तो याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत की नियुक्ति की गई है जनवरी माह में।
कचरा मुक्त शहरों के लिए स्मार्ट स्टार रेटिंग की शुरुआत की गई है, ठीक है, कौन सा कितना शहर जो है कचरा मुक्त करता है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की घोषणा की गई है जिसका नाम है ट्रेन 18, ठीक है, तो रेलवे की परीक्षा देने आ रहे हैं तो ट्रेन 18 का नाम आपको याद रहना चाहिए। वहीं दोस्तों महिलाओं की T20 विश्व कप 2018 की जो मेजबानी है वो वेस्ट इंडीज़ को दी गई है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में ये प्रतियोगिता होगी। वैश्विक पर्यावरण सूचकांक में भारत को 177वां स्थान मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों वायु सेना के जो शहीद कमांडो हैं JP निरला को इस साल अशोक चक्र गणतंत्र दिवस पर दिया गया। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 10 आसियान के देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। दोस्तों आसियान के बारे में हमारा भी वीडियो पड़ा हुआ है और आप इनकी जो कैपिटल है, मुद्रा है, वो ज़रूर देख लें, ठीक है, पूछा जा सकते हैं। IPL 2018 में सबसे जो महंगे विदेशी खिलाड़ी बने वो बने दोस्तों इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, ठीक है, और जयदेव उन्नाकट भारतीय भारत के सबसे जो महंगे खिलाड़ी बने। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे छठा अमीर देश बना, जनवरी माह की रिपोर्ट है दोस्तों। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड 2018 किसे दिया गया, यह आशा भोंसले जी को दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया स्कूल कार्यक्रम का भी फिलहाल में ही शुभारंभ किया है। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इसी महीने इंग्लैंड को हराकर ऐसे श्रृंखला 4-0 से जीती, जबकि वनडे श्रृंखला में इंग्लैंड ने 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया, इन दोनों के बीच उल्टा हुआ है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब रॉजर फेडरर को जीता, जबकि महिलाओं का एकल खिताब कैरोलिन वेजनराइकी ने जीता। तो दोस्तों ये टॉप 30 करंट अफेयर्स मैंने आपको करा दिए हैं जनवरी माह के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने छांट छांट कर लाया हूँ दोस्तों, निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी से अनुरोध है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।